हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। तो वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, सॉरी। अब से बिल्कुल रेगुलर वीडियोस आएंगे आप लोगों के पास। थोड़ा सा डिले चल रहा था। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन एसई सेकंड जनरेशन हमको 2021 में परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, प्रोज कौन सा है, हम लोग बात करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि आपको इस बजट में 2021 में आईफोन लेना चाहिए या फिर किसी और आईफोन के साथ जाना चाहिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। जो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर इस चैनल को ग्रो करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो, बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो फोन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आप आसानी से फोन को हाथ में पकड़ सकते हो, मतलब सारे कॉर्नर्स आपके हाथ में इजीली आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ ओवरसाइज हो रहा है या कुछ हो रहा है। बहुत ही अच्छा फोन है, कॉम्पैक्ट फोन है। अगर आपको छोटे फोन पसंद है तो आईफोन एसी सेकंड जनरेशन इतना अच्छा फोन आपको बहुत अच्छी फील देगा हाथ में पकड़ने के लिए। ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छी है इस फोन की। बात करते हैं थोड़ी सी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लेके आती है, क्योंकि यहाँ पे आती है हमारे पास डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी। अब जिन लोगों को अच्छी डिस्प्ले पसंद है, जो लोग 10, 12, 15,000 या 20,000 का कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं और उसमें उनको 6.1 की या 6.3 की डिस्प्ले मिल रही है, तो एकदम से छोटी डिस्प्ले पे शिफ्ट करना, वो भी इतनी छोटी डिस्प्ले, मतलब आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस एक बड़ा आएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि 90% लोग, मेरे को पता है, अगर आईफोन परचेज करना, क्योंकि डेफिनेटली आईफोन अच्छी चीज है, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल लोगों के लिए आप इतनी सारी चीजें जो है वो करोगे, तो वो आपका डिसीजन रहता है कि आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं अगर फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड पे बेजल्स बहुत ज्यादा मोटे आते हैं, थोड़ा वो फोन को बहुत ज्यादा खराब बनाता है। एक तो पहले ही स्क्रीन साइज छोटा, ऊपर से बेजल इतने सारे मोटे हो जाते हैं, तो फोन जो है थोड़ा सा गंदा दिखता है। अगर मैं बात करूं सामने से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा फोन लेने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है प्रोज और कॉन्स। तो डिस्प्ले अगर हम वैसे बात करें तो डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छे कलर्स निकल के आते हैं, बिल्कुल आईफोन 8 की तरह इसकी डिस्प्ले रहती है। अच्छी डिस्प्ले है बहुत ज्यादा। अगर हम पिक्चर्स वगैरह भी लेते हैं तो कलर्स जो है फोटो के, जो आप अपने चाहे ह्यूमन फोटोग्राफी करते हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी करते हो, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। साथ में आपको जो है एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो एल्यूमिनियम बॉडी है, साथ में ग्लास है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको डिस्प्ले और इसकी बॉडी और बिल्ड क्वालिटी में मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, वो है बैटरी हेल्थ। इसके ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज रही हैं। जब ये फोन लॉन्च हुआ था, मतलब कमाल का फोन था। पहले स्टार्टिंग में इतना हाइप नहीं हुआ, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हाइप हुआ और बहुत लोगों ने परचेज किया, क्योंकि इसमें प्राइसिंग इतनी अच्छी आई थी हम लोगों को, जो डिस्काउंट देखने के लिए मिले थे अराउंड 28,000-27,000 में आपको ये फोन मिल रहा था। तो बहुत ही अच्छा बजट फोन ये बन के आया था हम लोगों के लिए। तो बैटरी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज रहते हैं कि बहुत ज्यादा खराब है बैटरी हेल्थ। क्योंकि अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वगैरह की, तो परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन परफॉर्मेंस इस फोन की इतनी अच्छी है, लेकिन उस हिसाब से बैटरी हेल्थ थोड़ी एप्पल ने जो है यहाँ पे खराब कर दी। अब सिंपल सी बात है, आपको 28,000-30,000 के फोन में सारा कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। एप्पल की तरफ से बजट फोन बनाने की पूरी कोशिश की गई है, तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फीचर आता है। यहाँ पे आपको कम से कम 2 बार, अगर बहुत हैवी यूजर हो तो कम से कम 3 बार आपको यूज करना पड़ेगा। गेमिंग करते हो, वीडियो बनाते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, फोटोज खींचते हो, अगर नॉर्मल यूजर हो सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करना है तो शायद आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन आप गेमिंग वगैरह वीडियोस वगैरह करते हो या फिर पूरा पूरा दिन ऑलमोस्ट फोन पे है, तो आपको कम से कम 2 बार फोन जो है चार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक मैं बोलूंगा बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फीचर होगा अगर हम बात करें आईफोन एसी सेकंड जनरेशन की। तो अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस हमारे पास आती है A13 बायोनिक चिप, मतलब कमाल की चीज है। यहाँ पे क्या है, आईफोन 8 जैसा थोड़ा सा इससे जो है बहुत सारी सिमिलैरिटीज, अगर हम बात करें डिस्प्ले वगैरह की, थोड़ा बहुत डिजाइन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सबसे अच्छी चीज जो बहुत लोग पसंद करते हैं, मतलब 40% लोग पसंद करेंगे, वो है एप्पल लोगो आता है बीच में। और यहाँ पे परफॉर्मेंस में A13 बायोनिक चिप बहुत ज्यादा फास्ट फोन है, मैंने पर्सनली यूज किया है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी है, तो मैं देखता रहता हूँ, बहुत तगड़ा है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल फोन से, मतलब नॉर्मल मतलब एप्पल का जो हाई एंड डिवाइस रहता है आईफोन 11, आईफोन 12, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसके कंपैरेटिव, मतलब दोनों सेम चलते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस है आईफोन ऐसी सेकंड जनरेशन की। परफॉर्मेंस के मामले में गेमिंग बिल्कुल भी पीछे नहीं है ये फोन, तब भी आपको इतने अच्छे प्राइसिंग में ये फोन मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस का। बैटरी बहुत लोगों को तंग करेगा, शायद बहुत लोगों को तंग ना भी करे, डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक वगैरह, तो बिल्कुल भी आपको डिले देखने के लिए नहीं मिलता, बहुत ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट रहता है ये फोन। गेमिंग की बात करें, स्पेशली आप पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी, कोई भी गेम खेलो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है हर एक फोन का, और आईफोन स्पेशली लोग
कैमरा के लिए करते हो, तो यहाँ पे अगेन एप्पल ने बहुत अच्छी चीजें करी हैं कैमरा में। यहाँ पे डे लाइट फोटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्प्ले भी इतनी अच्छी है, तो कलर्स फोटो के बहुत ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं। अगर आप ह्यूमन फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट या नेचर फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको सभी में बहुत अच्छे कलर्स मिलेंगे। एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये निकल के आता है क्योंकि प्राइसिंग थोड़ी सी कम है, एप्पल ने यहाँ पे नाइट मोड नहीं डाला। अब सिंपल सी बात है, इतनी प्राइसिंग में आपको नाइट मोड वगैरह नहीं दे सकते, वरना आईफोन 11 आईफोन 12 का कोई काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नाइट मोड नहीं है और थोड़ी सी लो लाइट परफॉर्मेंस इस फोन की इतनी अच्छी नहीं है। बाकी कैमरा के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन है, आपको यहाँ पे सिंगल कैमरा मिलता है लेकिन वही कैमरा काफी है। बात करें अगर हम लोग वीडियो की, तो 4K में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो आप आराम से कोई भी वीडियो बना सकते हो, आप वीडियो का एग्जांपल भी देख सकते हो, इसके बाद मैं डाल दूंगा फोटोज और वीडियोज। तो बहुत ही ज्यादा कमाल का फोन है। अगर हम बात करें सभी फीचर्स की, तो कैमरा वगैरह वीडियो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ये बीस्ट फोन है। तो अब अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कुछ सैंपल्स, मैंने आईफोन SE सेकंड जनरेशन से वीडियो और फोटोज दोनों क्लिक करी, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आती हैं, कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं। अगर मैं बात करूँ इस फोन की, मैंने आपको बताया डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले तो अच्छी है ही, साथ में कैमरा जो है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं बात करूँ डे लाइट की और वीडियो भी, स्टेबलाइजेशन दोष में नहीं आता अभी, लेकिन ऑटोमेटिकली ये फोन इतना कॉम्पैक्ट है कि आपको इतनी स्टेबलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो कैमरा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम बात करें 4K वीडियो की या फिर आप HD में शूट करते हो, तो बहुत ही ज्यादा कमाल की आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। ये सैंपल से ही आपको एक्सपीरियंस और पता चल गया होगा कि कितना कमाल की परफॉर्मेंस देता है आईफोन SE सेकंड जनरेशन कैमरा के मामले में। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट के बारे में, वो है हमारा प्राइसिंग की, क्या प्राइसिंग के हिसाब से फोन अच्छा है या फिर नहीं। तो देखो स्टार्टिंग में प्राइसिंग 38-37 मतलब यहीं पे घूम रही थी प्राइसिंग, तो इतनी अच्छी प्राइसिंग उस हिसाब से लोग शायद सोच रहे थे कि स्क्रीन साइज भी कम है और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है फिंगरप्रिंट वगैरह मिलता है। फिंगरप्रिंट इस टाइम पे अच्छी चीज है, लेकिन लोग अभी भी मैक्सिमम फेस आईडी को पसंद करते हैं, आई डोंट नो क्यों। मेरे को पर्सनली फिंगर आईडी जो है ज्यादा पसंद है, फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा पसंद है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो सेल के टाइम पे आपको 26,000-27,000 में भी फ्लिपकार्ट की सेल में देखने के लिए मिला था, और अभी भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा शायद होली सेल में या फिर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में। तो उस हिसाब से प्राइसिंग में एप्पल का बजट फोन बहुत ज्यादा कमाल का है। अगर आपको बैटरी और स्क्रीन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो आईफोन SE सेकंड जनरेशन इन 2021, क्योंकि अभी आगे और कोई भी ऐसा फोन नहीं आने वाला इस प्राइसिंग में टिल 2022। देखते हैं अभी लीक्स के हिसाब से आईफोन SE 3 या फिर आईफोन SE प्लस जो भी है ये फोन का नाम निकल के आएगा 2022 में निकल के आएगा। तो अभी आपको अगर वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो, नहीं करना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो आईफोन SE सेकंड जनरेशन के साथ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, कल की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर इस चैनल को ग्रो करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।